हेलो एवरी वन माई इज शिवानी आज़ाद एंड टूडे वील स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ एम्फेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब बात क्या आती है कि इम्फेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने तीन मेजर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या है बच्चा मीन एक तो मीन दूसरा मोड एंड मीडियन ये है हमारे थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब इम्फेरिकल फार्मूला क्या करता है इन तीनों का एक रिलेशनशिप देता है अपन को क्या देता है बेटा इन तीनों का एक रिलेशनशिप देता है अब रिलेशनशिप क्या होता है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला फार्मूला है ये बोलता है मोड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन मोड इज़ इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन ये फॉर्मूला हमें क्या करता है इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है अगर हमें इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो हम ऑलरेडी हमें क्या कर सकते हैं हम तीसरा निकाल सकते हैं ठीक है तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं राइट right? सो so, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है आर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ

so question is the mean and median of the set of numbers the mean and median of the set of a number set of numbers are 8.9 and 9 एंड 8.9 रिस्पेक्टिवली 9 respectively then the mode will be then विल the mode is मोड इज ठीक है ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पे ही बेस्ड है मतलब कि हमें कोई भी दो चीज़ें हमें प्रोवाइडेड होगी थ्री मेजर में से कोई भी दो प्रोवाइड होगी हमें तीसरी निकालनी है तो देखो इसमें मोड गिवन है मीन गिवन है ठीक है मोड गिवन है और मीन गिवन है हमें ऑलरेडी दिख रहा है बहुत इजीली तो हमें मीडियन निकालना है क्या निकालना है मीडियन तो हमारे पास में फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन थ्री मीडियन माइनस टू मीन ठीक है अब इसको यूज कैसे करना है तो मोड की जगह मोड की वैल्यू डाल दो तो मोड कितना है बच्चा एटी है एटी डाल दो इज इक्वल टू थ्री मीडियन मीडियन हमें पता नहीं है तो थ्री मीडियन एज इट इज़ रहते हैं माइनस टू ये मल्टीप्लाई में चल रहा है बेटा थ्री इंटू मीडियन टू इंटू मीन ठीक है अगर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई कंसिडर कर लेते हैं अपन ठीक है ऐसा है ये तो टू मीन मतलब टू इंटू वन वन ज़ीरो सही मीन की जगह वन वन जीरो डाल दिया अब यह कितना हो जाएगा एट्टी इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू इंटू वन वन जीरो कितना हो जाएगा टू टू जीरो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का तो एट प्लस टू टू जीरो इज इक्वल टू थ्री मीडियम सही अब ये कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड हो जाएगा और ये थ्री मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में तो मीडियन कितना आ जाएगा हम हमारा थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री कितना हो गया हंड्रेड तो मीडियन कितना आ गया बेटा हंड्रेड आ गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से चलो अब ऐसे का ऐसा एक और क्वेश्चन ये रहा द मीन एंड मीडियम ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स आर 8.9 पॉइंट नाइन एंड नाइन तो बेटा रिस्पेक्टिव होता है जैसे यहाँ पे फर्स्ट मीन है तो फर्स्ट वाला मीन ही शो करेगा ये सेकेंड है मीडियन तो मीडियम का सेकेंड मतलब ये नाइन ठीक है रिस्पेक्टिवली होते हैं ये ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ भी है मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ सेकेंड वाला सेकेंड के साथ तो मीन कितना हो जाएगा हमारा 8.9 पॉइंट नाइन और मीडियन कितना हो जाएगा नाइन तो इस बार क्या निकालना है हमें मोड निकालना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा मोड इज़ इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन थ्री मीडियन माइनस टू मीन ठीक है अब बात क्या आती है कि वैल्यू डालनी है तो मोड की तो वैल्यू पता है ही नहीं मोड तो निकालना है मोड तो हमें क्या करना है निकालना है तो मोड की वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं अब थ्री मीडियन निकल मीडियम कितना है नाइन तो थ्री इन नाइन माइनस मीन कितना है टू इंटू एट नाइन क्या इस बात सही समझ में आई ठीक है बस वैल्यूज़ डालनी है तो थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन और ये कितना हो जाएगा एट पॉइंट नाइन इंटू टू तो नाइन टू सा एटीन वन के री तो ये कितना आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट एट ट्वेंटी सेवन में से सेवनटीन पॉइंट एट ट्वेंटी सेवन में से 17 गया तो टेन और ये कितना आ जाएगा नाइन पॉइंट टू तो हमारा मोड कितना आ गया बच्चा नाइन पॉइंट टू आ गया और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है सो आई होप ये जो फॉर्मूला है आपको क्लियर हुआ होगा और इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको क्लियर हुए होंगे ठीक है अब जो नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं देट इज़ अजीव लेस देन अजीव एंड मोर देन अजीव ठीक है is ना सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है बहुत आराम से समझेंगे बहुत ध्यान से समझेंगे इसको लेस देन अजीब एंड मोर देन अजीब को ठीक है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक ठीक है तो पहले तो ये समझेंगे कि ये होता क्या है इसमें हम करते क्या हैं और हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं और फिर हम यूज़ करना सीखेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओजीव की अब बात क्या आती है ओजीव क्या होता है मेन चीज़ क्या होती है ओजीव ठीक है टॉपिक क्या है ओजीव अब ओजीव क्या होता है इसमें क्या करते हैं बेटा अपन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं ठीक है ना सो इट इज अ ग्राफ ऑफ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है किसका ग्राफ होता है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेन बात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा सी एफ हम सी एफ निकालते हैं ना मीडियम में ये उसका ग्राफ होता है ठीक है कहीं कहीं आपको इसको दिखने को मिलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसको ओजीएफ को कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बोलते हुए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये दो ही क्या है इसी के ही नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों बातें एक ही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं या फिर ओजीव जीव बोलते हैं ठीक है क्लियर है पक्का अच्छा दूसरी बात ये कि देखो किसका ग्राफ है सी एफ का ग्राफ है ये दिख रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी टेंडेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं मीन मीडियन या मूड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकालते हैं अपन मीन के लिए मीडियन के लिए कि मूड के लिए मीन मीन के लिए तो ये क्या काम करता है मीडियन निकालने के काम आता है बेटा किसके लिए काम आता है मीडियन के लिए इट इज़ यूज टू फाइंड द मीडियन थ्रू ग्राफ क्लियर सही हुआ क्या ये बात क्लियर हो गई ठीक है अब बात करते हैं कि कितने टाइप के ओजीव होते हैं बच्चा तो ओजीव होते हैं दो टाइप के एक तो होता है लेस देन ओजीव लेस देन ओजीव और एक होता है मोर देन ओजीव एक होता है बेटा मोर देन ओजीव दो तरीके के ओ होते हैं ठीक है ना अब इसको भी आराम से समझेंगे कि ये होते क्या हैं तो बेटा देखो एक तो होता है कि ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है तो मतलब क्या होता है कि जब अपन ग्राफ की बात करते हैं ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस दिस इज अगेन एक्स एक्सेस एंड दिस इज अगेन वाई एक्सेस क्या ये बात क्लियर हुई ठीक है अब है ना ये सेंटर ये ओरिजन ये तो आपको पता है क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है मतलब कि एक एक्सिस तो सी एफ की ही होगी एक एक्सिस तो क्या होगी सी एफ की ही होगी तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है ना बेटा यहाँ पे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पे सी एफ यहाँ पर सी एफ ठीक है ना ये दोनों सी एफ के होते हैं और ये जो होता है ना बेटा ये मैं अब समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि हम कैसे कंटिन्यू करते, करते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगी बहुत आराम से बेटा देखो आपके पास में मैं बस तीन ही डाटा शो करूँगी तीन डाटा से हम समझेंगे कि ये होते क्या है जैसे हमें बोल रखा है टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी ठीक है ना ये क्लासेस है ठीक है दिस इज़ क्लास दिस इज़ फ्रीक्वेंसी अब मान ले टू है फोर है और यहाँ पे कितना है अगेन फोर है टू फोर फोर ठीक है कोई इशू नहीं है अब बात करते हैं लेस देन ओजीव की तो यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ ना बच्चा तो ये बोल रहा है लेस देन ठीक है ना लेस देन तो बेटा अगर मैं टेन से ट्वेंटी की बात करूँ तो किससे लेस आएगा अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो डाटा किससे कम होगा टेन से कि ट्वेंटी से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना इस वाले में टेन से तो बड़ा आएगा लेस देन है मतलब छोटा ठीक है ना लेस देन मतलब छोटा तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा इससे तो ज़्यादा ही आएगा ट्वेंटी से कम आएगा सही तो बेटा इसमें क्या होता है अपर लिमिट डालते हैं जैसे कि ट्वेंटी टू थर्टी में बात करूँ तो लेस देन किससे होगा थर्टी से तो ट्वेंटी टू थर्टी को मैं ऐसे नहीं लिख सकती लेस देन थर्टी आएगा इसमें इसमें क्या आएगा लेस देन थर्टी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ लेस देन ट्वेंटी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती लेस देन ट्वेंटी क्या लिख सकती हूँ इसको मैं क्या लिख देख सकती हूँ लेस देन फोर्टी लेस देन फोर्टी थर्टी टू फोर्टी वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसमें लेस देन फोर्टी आएगा तो इसलिए लेस देन में हमने क्या कर रहा है अपर लिमिट डाला हुआ है तो यहाँ पे अपर लिमिट आएगी जैसे अपर लिमिट कौन सी हो गई यहाँ पे ट्वेंटी ठीक है यहाँ से मैं थोड़ा सा गेप डाल देती हूँ ट्वेंटी देन देट इज़ वॉट नेक्स्ट इज थर्टी एंड नेक्स्ट इज़ फोर्टी ठीक है क्या ये बात क्लियर हुई तो y यहाँ पे जो x एकस एक्सिस है दैट डिनोट्स वॉट अपर लिमिट और y एक्सिस क्या डिनोट करता है बेटा कम्बिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कम्बिलेटिव फ्रीक्वेंसी की अभी बात करेंगे कैसे डिनोट करता है उसमें ठीक है तो मैं ये चीज़ क्या कर देते हैं रब कर देते हैं यहाँ से सो so दैट ये वाला जो ग्राफ है आपका मैं उसको ढंग से शो कर सकता हूँ ठीक है ना तो ये कितना हो जाएगा टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी सही ये रहा ये क्लास हो गई ये फ्रीक्वेंसी हो गई ठीक है सही तो आई होप लेस देन का आपको समझ में आ गया होगा लेस देन है मतलब हम क्या करेंगे लेस देन ट्वेंटी करेंगे मतलब तो अपर लिमिट यहाँ पे डालेंगे अच्छा वैसे ही अगर मोर देन की बात करें तो यहाँ पे क्या डालेंगे बाई बाई एक्स एक्सेस पे तो समझने की कोशिश करते हैं एक्स एक्सिस में देखो मोर देन का ग्राफ है ना तो अपन टेन टू ट्वेंटी को कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन टेन की वैल्यूज डलेंगी बोल सकते हैं मोर देन टेन दस से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ है वो यहाँ आएगी अच्छा ट्वेंटी टू थर्टी में क्या लिख बोल सकते हैं मोर देन ट्वेंटी सही ट्वेंटी से ज़्यादा ठीक है ना ऐसे लिख सकते हैं ना तो बेटा ये टेन ट्वेंटी क्या है ये लोअर लिमिट है दिस इज़ अपर लिमिट एंड दिस इज़ लोअर लिमिट ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है तो जब अपन मोर देन ओजीव की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे लोअर लिमिट कंसीडर करते हैं क्या कंसीडर करते हैं लोअर लिमिट्स तो इसमें लोअर लिमिट क्या है टेन ट्वेंटी एंड थर्टी तो ये टेन हो जाएगा ये ट्वेंटी हो जाएगा थर्टी हो जाएगा मतलब एक्सेस किस को डिनेट करता है बेटा लोअर लिमिट को क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से क्योंकि मोर देन का ग्राफ है तो मोर देन टेन मोर देन ट्वेंटी ऐसे ही लिखा हुआ होता है क्या ये बात क्लियर हुई अच्छा दूसरी बात यह ये, ये कितना हो गया टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी टेन हो गई ठीक है अगर लेस देन की बात करते हैं बेटा तो सी एफ को प्लस करते हैं याद रखना लेस है लेस मतलब माइनस माइनस का उल्टा प्लस सी एफ उल्टा कर देते हैं अगर लेस नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव ले लेंगे सीधा सी एफ को माइनस करते हैं कैसे करते हैं समझाती हूँ देखो सबसे पहले टू लिखा है तो टू को मैं तो टू को ऐड करना ही नहीं कुछ नहीं कर सकते तो टू को टू फिर टू प्लस फोर कितना हो जाएगा सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए टू प्लस फोर सिक्स फिर क्या हुआ कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट के आ गई फोर में ये कितना आ जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन सिक्स प्लस फोर टेन ऐसे याद रखो टू को टू फिर टू में प्लस फोर किया तो सिक्स फिर सिक्स में प्लस फोर किया तो टेन ऐसे जेड बनाना स्टार्ट कर दो आप बस तो ये टेन हो गया तो यहाँ पे क्या आती है कि कम्बुलिटिव फ्रिक्वेंसी ऐड करते हुए आती है अब आपकी क्राफ्ट है तो आप कोई भी स्केल ले सकते हो जैसे टू सिक्स टेन है ना तो मैं एक काम करूंगी कि टू 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 का गैप ले लूँगी तो फोर सिक्स एट टेन क्या ये बात क्लियर हुई सही तो यहाँ पे कम्बुलिटिव फ्रीक्वेंसी का प्लस का आ जाता है सही अब यहाँ पे कम्बुलिटिव सिक्वेंसी माइनस हो जाती है तो माइनस कैसे होगी बेटा तो माइनस कैसे होगी कि आप टोटल जो दिख रहा है ना टेन टोटल फ्रीक्वेंसी से माइनस करो तो टेन में से टू गया टोटल फ्रीक्वेंसी से माइनस होता है बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी में से माइनस करते हुए जाओ हर एक फ्रीक्वेंसी को तो ये तो सी एफ प्लस वाला हो गया और सी एफ माइनस वाले के लिए टेन में से माइनस करते जाओ तो सबसे पहले वाला क्या था इतनी बात समझ में आ गई कि क्या होगा टोटल फ्रीक्वेंसी से माइनस करना पड़ेगा तो सबसे पहले टेन ही लिख दो ठीक है ना सबसे पहले टेन अब टेन में से ये वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करो देखो कम्बिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं ये वाली टेन में से टू गया तो कितना बचा एट एट में से फोर गया तो फोर तो ये देखो ये फोर और फोर सेम आ रहे हैं ना मतलब अपारा अभी तक का क्वेश्चन बिल्कुल सही है क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से ठीक है तो यहाँ पे सी एफ माइनस अब देखो फोर एट टेन है ना तो मैं वापस से टू फोर सिक्स एट टेन कोई भी आप क्या कर सकते हो स्केल ले सकते हो तो मैं टू फोर सिक्स एट टेन ले लूँगी तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है क्या करना है तो वो हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू और मीडियम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू ठीक है ना तो ये चीज़ मैं अभी रब कर देती हूँ क्लियर तो आई होप यहां तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ग्राफ किन किन के बीच में प्लॉट करना है ठीक है अब अपन चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये लेस देन ओ जी व मोर देन ओ जी के क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है ठीक है clear chalo so our first question is we have marks marks 10 to 20 20 to 30 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70. See? And frequency. And frequency is 10. Frequency means number of students. Number of students. Frequency always number of students in order. 10, 15, 30, 32, 8, and 5. ठीक है अच्छा अब यहाँ से क्या करना है हमें लेस देन वोजीफ का ग्राफ प्लॉट करना है लेस देन वजीफ का ग्राफ प्लॉट करना है एंड फाइंड मीडियन और मीडियन फाइंड करना है मीडियन इज़ इक्वल टू वॉट ठीक है ना ये दो चीज़ें हमें फाइंड करना है अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं नोट लिखवा रही हूँ नोट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लेस देन लिखा हुआ है जैसे लेस देन टेन लेस देन ट्वेंटी लिखा हुआ है ठीक है ना तो आपको हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी कौन सी वाली प्लस वाली मतलब ऐड होती भी अगर मोर देन टेन मोर देन ट्वेंटी दे रखा होगा तो भी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी साथ में बट कौन सी वाली सब्टेक्शन वाली ये बात ध्यान रखना अच्छे से क्वेश्चन में भली फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वहाँ पर कि लेस देन टेन लेस देन ट्वेंटी लेस देन थर्टी और नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा बट दैट विल बी अ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों के साथ में कम्यूलेटि फ्रीक्वेंसी आती है अगर नॉर्मली टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी दे रखा है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है दिस इज फ्रीक्वेंसी इसमें अपन को कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी ठीक है ना क्या ये बात क्लियर हुई इसको बहुत अच्छे से समझ लेना ठीक है अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर लिया तो क्वेश्चन गलत है ठीक है ना अब लेस देन और का ग्राफ बनाना है ना बेटा तो आप पहले लेस देन का एक कॉलम बना लो ठीक है ना लेस देन ओजिव के लिए कॉलम बना ही लो ठीक है ना तो लेस देन में कन्वर्ट कर लो सबको सबको लेस देन में कन्वर्ट कर लो तो टेन टू ट्वेंटी है तो किससे लेस होगा ट्वेंटी से तो लेस देन ट्वेंटी लेस देन ट्वेंटी ठीक है ना लिख सकती हूँ मैं जिसको मैं लिख सकती हूँ लेस देन थर्टी फिर लेस देन 40 मैं ऐसे ही लिख रही हूँ लेस देन फिफ्टी लेस देन सिक्सटी और इसमें आ सकता है लेस देन सेवेंटी सही लेस देन ट्वेंटी लेस देन थर्टी लेस देन फोर्टी लेस देन फिफ्टी लेस देन सेवेंटी ठीक है तो ये लेस देन का हो गया क्योंकि लेस देन वो चीफ बनाना है नेक्स्ट कम्बिलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होती है लेस देन के साथ में प्लस वाली उल्टी अगर लेस है तो प्लस और मोर है तो माइनस अगर कम्बिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करनी है तो करते हैं तो सबसे पहले टेन है तो टेन तो को टेन देते हैं टेन प्लस फिफ्टीन कितना हो गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी कितना हो जाएगा इसमें ऐड होना है ना ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी टू कितना हो जाएगा हमारा एट्टी सेवन एट्टी सेवन प्लस एट कितना हो जाएगा हमारा नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव प्लस फाइव इज हंड्रेड देखो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हंड्रेड आ रही है क्या टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस फोर्टी दट इज ने बिल्कुल हंड्रेड आ रही है मतलब कि हमारी ये कम्पलीटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही निकली है क्यों क्योंकि यहाँ पर भी हंड्रेड है यहाँ पर भी हंड्रेड है ये क्रॉस चेक करने का तरीका है बेटा क्लियर अब बस इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस ठीक है तो एक्स एक्सिस पे तो अपन क्या करते हैं अपर लिमिट लेते हैं क्यों क्योंकि देख लो लेस देन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी आप लेस देन में कन्वर्ट ही कर लो तो ये ट्वेंटी है तो ये टेन हो जाएगा ये ट्वेंटी ये थर्टी ये फोर्टी ये फिफ्टी ये सिक्सटी ये सेवेंटी सही ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की तो देखो टेन 10 से हंड्रेड जा रहा है तो मैं एक काम करती हूँ ट्वेंटी 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 का गैप ले लेती हूँ तो ज़ीरो से ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एट्टी हंड्रेड ठीक है मैं ट्वेंटी ट्वेंटी का ले रही हूँ आप टेन टेन का भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप बस मैंशन कर देना कि यहाँ पर वाई स्केल वाई स्केल की बात करें वाई एक्सिस की बात करें ठीक है ना वाई एक्सिस की बात करें तो वन यूनिट हम किसके बराबर ले रहे हैं ट्वेंटी के ट्वेंटी स्टूडेंट्स के वन यूनिट इक्वल टू ट्वेंटी स्टूडेंट्स के आप मैंशन कर देना जो भी आप कर रहे हैं और यहाँ पे x एक्सिस किसके बराबर ले रहे हैं मैं x एक्सिस भी मैंशन करवा ही देती हूँ तो x एक्सिस किसके बराबर ले रहे हैं x एक्सिस ले रहे हैं टेन मार्क्स के बराबर ठीक है ना वन यूनिट इक्वल टू टेन मार्क्स ठीक है आप ऐसे मेंशन कर देना कोई दिक्कत नहीं है अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है तो देखो ट्वेंटी के साथ में क्या आ रहा है टेन तो ट्वेंटी और टेन तो ये रहा ट्वेंटी और यहाँ पर कहीं होगा टेन सही ज़ीरो से टेन के बीच में फिर थर्टी एंड ट्वेंटी फाइव तो थर्टी एंड ट्वेंटी फ़ाइव तो ट्वेंटी फ़ाइव यहाँ का ही होगा सही फिर फोर्टी टू फिफ्टी फाइव तो फोर्टी और फिफ्टी फ़ाइव तो फोर्टी और फिफ्टी फ़ाइव यहाँ का ही होगा फोर्टी और सिक्सटी के बीच में सही फिफ्टी और एट्टी सेवन तो फिफ्टी और एट्टी सेवन कहीं होगा यहाँ पे एट्टी और हंड्रेड के बीच में अगेन सही और 70 और हंड्रेड तो सेवेंटी और हंड्रेड ये रहा सही अब इसको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है ये हमारा क्या हो गया हमारा क्या हो गया यहाँ पे लेजन का क्राफ्ट बन गया अब बात आती है कि मीडियन क्या है ये पूछा है ना कि मीडियन वॉट इज़ मीडियम ठीक है आप इसको अगर आप चाहें ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ट्वेंटी और टेन का है ये तो ट्वेंटी कामा टेन ठीक है ये वाला डॉट क्या शो कर रहा है दिस इज़ थर्टी कामा ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है दिस इज़ वॉट फोर्टी कामा फिफ्टी फाइव सो फोर्टी कामा फ़िफ्टी फाइव ठीक है ये कौन सा ग्राफ हो गया हमारा ये वाला पॉइंट किसका हो गया फिफ्टी कामा एट्टी सेवन तो फिफ्टी कामा ठीक है सो फिफ्टी कामा ये सिक्सटी का ग्राफ हो गया नाइन्टी फ़ाइव सिक्सटी का ग्राफ दैट इज़ नाइन्टी फाइव तो यही कहीं आएगा सिक्सटी का ग्राफ नाइन्टी फाइव और ये रहा हंड्रेड ठीक है ना तो ये सिक्सटी का ग्राफ हो गया ये सिक्सटी कामा नाइन्टी फाइव तो सिक्सटी कामा नाइन्टी फाइव और ये हो गया सेवेंटी कॉमा हंड्रेड सो दिस इज़ वॉट सेवेंटी कामा हंड्रेड आप ग्राफ में बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बनेगा एक्यूरेट बनेगा अभी क्या है बोर्ड पे बन रहा है तो एक्यूरेट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली ठीक है तो ग्राफ में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो सेवेंटी गोमा हंड्रेड ये मार्क कर दिया अब मीडियन की बात करते हैं मीडियन तो देखो मीडियन का निकालने का अपन ने पढ़ा है कि अगर मीडियन निकालना है ना तो आप क्या करो एन बाई टू कर लो क्या कर लो एन बाई टू कर लो डायरेक्ट क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी क्लास की बात हो रही है तो आप एन बाई टू कर लो एन क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी एन इज़ वॉट टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी तो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू ठीक है ना यहाँ पे क्या करना है टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू कर लो तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हंड्रेड हंड्रेड बाई टू इज़ फिफ्टी तो वाई एक्सिस पे फिफ्टी आना चाहिए वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए फिफ्टी आना चाहिए तो फिफ्टी कौन से में आएगा देखो जीरो से लेकर टेन तक फर्स्ट में आ रहा है जीरो से टेन तक टेन टू ट्वेंटी वाले में आ रहा है 10 टू 25 फ़ाइव किस में आ रहा है 30 में 25 से 55 40 में तो मतलब कि हमारी मीडियम क्लास कौन सी हो गई ये वाली सही ये वाली ठीक है तो 50 आ रहा है ना तो 50 वाले को आप क्या करो बिल्कुल नीचे लियाओ वाई एक्सिस से 50 दिख रहा होगा वाई एक्सिस फिफ्टी यहाँ का ही होगा तो वाई एक्स भी 50 ड्रॉ करो ये पॉइंट फिफ्टी का होगा दिस इज़ फिफ्टी ऐसे ले लेते हैं कोई बात नहीं सो दिस इज फिफ्टी अराउंड दिस इज़ वॉट फिफ्टी अराउंड और फिफ्टी के अराउंड होगा तो इसको आप क्या करो नीचे डाल दो क्या कर दो नीचे डाल दो तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट मीडियन आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मीडियन आ जाएगा सो so 30 टू 40 के बीच में आ रहा है मीडियन बिल्कुल 30 टू 40 के बीच में आ रहा है मीडियन सो so ये क्या होगा आपका यहाँ पे एक्यूरेटली ग्राफ के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि मीडियन कौन सा होगा ठीक है क्लियर है तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है एक्यूरेटली कि मीडियन क्या आ रहा है ग्राफ के थ्रू आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा मीडियन है ठीक है ना तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं तो इसका है इसका मीडियन आ रहा है 38.33 सो so दिस इज़ व्हाट 38.33 तो यहाँ पे आपको मीडियन मिल जाएगा क्या ये बात क्लियर हो रही है एग्जैक्ट मीडियन यहाँ पे अपन को क्या होगा ऑलमोस्ट मिल जाएगा 38 अराउंड ठीक है ना 38 एट पॉइंट समथिंग कुछ मिल जाएगा तो दिख रहा है 30 और 40 के बीच में नहीं थोड़ा सा उस साइड है थर्टी एट अराउंड आएगा क्या ये बात क्लियर हुई कि मीडियन कैसे निकालना है श्योर sure. ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं मोर देन ओजीफ में ठीक है सो आई होप यहां तक आपको ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा सो अस मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन इज ड्रॉ ड्रॉ लेस देन उजीव लेस देन उजीफ एंड मोर देन उजीफ फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एनहेंस फाइंड इट्स मीडियम एनहेंस फाइंड इट्स मीडियम ठीक है फाइंड इट्स मीडियम और हमें इसका मीडियम निकालना है क्लियर चलो तो क्लास इज ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी एटी टू नाइन्टी ठीक है ये हमारी क्लास हो गई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज़ वाट अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज एट ट्वेल्व ट्वेंटी फ़ोर सिक्स टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है ओके okay. तो अब बात करते हैं ठीक है सो लेट लेटेस्ट टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ठीक है चलो अब है ना देखो लेस देन ओजीव हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो एक काम करते हैं पहले आज अभी मोर देन ओजीव की बात कर लेते हैं कि मोर देन ओजीव कैसे बनाते हैं और फिर इसी में ही अपन को लेस देन ओजीव बनाना है ठीक है ना तो मैं दोनों क्वेश्चन इसी में करवा रही हूँ एक तो सिर्फ मोर देन ओजीव का जिसमें मोर देन अजीब निकालना है उससे मीडियन निकालना है और दूसरा कि लेस लेसन अजीब और मोर देन अजीब दोनों ग्राफ निकालना है फिर मीडियन निकालना है तो पहले मोर देन ओजीव की बात कर लेते हैं तो मोर देन का बना लो आप मोर देन अच्छा टेन टू ट्वेंट ट्वेंटी टू थर्टी में मोर देन क्या लिखोगे आप मोर देन ट्वेंटी यही लिखोगे ना कि ट्वेंटी से ज़्यादा वाले आएंगे इसमें तो मोर देन ट्वेंटी देन मोर देन थर्टी मोर देन फोटी मोर देन फिफ्टी आप पूरा लिखना मोर देन ठीक है मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ ये चीज़ मोर देन सेवेंटी और मोर देन एटी क्या ये ऐसे ही लिखेंगे ठीक है ना आई होप ये बात क्लियर है नेक्स्ट अगर मोर देन का काफ है तो सी एफ क्या होगा नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं मतलब कि माइनस उल्टा होता है ना तो सी एफ माइनस तो पहले प्लस कर लेते हैं तो ये पूरा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी फिफ्टी प्लस फोर्टी नाइन्टी नाइन्टी हंड्रेड तो टोटल तो तो फ्रीक्वेंसी हंड्रेड है तो सी एफ माइनस किसे करते हैं हंड्रेड से तो पहले हंड्रेड दो पूरा अब 100 में से माइनस कर देवे चलो तो 100 माइनस एट कितना हो गया 92 92 में से 12 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 92 में से 12 माइनस किया तो 80 80 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 56 में से 6 माइनस करेंगे तो 50 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 और 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 25 देखो लास्ट टाइम दोनों की सेम आ रही है 25 25 मतलब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही निकली है तो मोर देन और ये सी का ग्राफ बन गया सही अब मोर देन का ग्राफ कैसे बनाते हैं संबंधी कोशिश करेंगे तो मोर देन के लिए यहाँ पर तो आ जाती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली माइनस वाली कौन सी वाली आ जाती है बच्चा माइनस वाली ठीक है ना माइनस वाली आ जाएगी तो देखो 100 है 92 है 80 है 56 40 तो मैं टेन टेन का गैप ले लेती हूँ तो ये टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी और यहाँ पे मैं ये पार्ट हटा देती हूँ फाइंड इट्स मीडियन यहाँ लिख देती हूँ मैं फाइंड इट्स मीडियन सो दैट मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाए सो फाइंड इज हंड्रेड सही अच्छा और यहाँ पे हम क्या लेते हैं मोर देन ट्वेंटी मतलब ये वाला इसमें क्या लेंगे लोअर लिमिट ठीक है ना ऐसे ही समझ में आ जाएगा मोर देन और लेस देन में चेंज कर लेना तो पता लग जाएगा यहाँ पर तो मैं ये टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी अब आप स्केल बना लेंगे स्केल बनाने के लिए क्या करना है एक्स एक्सिस भी वन यूनिट इक्वल टू तो टेन और वाई एक्सिस भी वन यूनिट इक्वल टू तो टेन ठीक है ये हमारी स्केल बन गई अब प्लॉट करना है तो बेटा ट्वेंटी के साथ में क्या आ रहा है हंड्रेड तो मोर देन ट्वेंटी मतलब ये रहा ट्वेंटी और ये रहा हंड्रेड सो ट्वेंटी और हंड्रेड तो यहाँ कहीं आएगा एक पॉइंट ठीक है फिर थर्टी के साथ क्या आ रहा है नाइन्टी टू तो थर्टी के साथ में नाइन्टी टू तो नाइन्टी टू कहीं यहाँ आएगा तो ये रहा थर्टी के साथ में नाइन्टी टू ठीक है फोर्टी के साथ में एट्टी तो फोर्टी के साथ में क्या आ रहा है बच्चा एट्टी आ रहा है तो फोर्टी के साथ में एट्टी सही फिर फिफ्टी के साथ में फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी के साथ में हम डाल देते हैं फिफ्टी सिक्स तो यहाँ कहीं आ रहा होगा ठीक है ये रहा फिफ्टी सिक्स ठीक है फिर सिक्सटी के साथ में फिफ्टी तो सिक्सटी के साथ में फिफ्टी कहीं थोड़ा सा वहाँ नीचे आ जाएगा ठीक है देखो डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है दिख रहा है सेवेंटी के साथ में 40, तो सेवेंटी के साथ में 40 ये आ गया और एट्टी के साथ में ट्वेंटी फाइव तो एट्टी के साथ में ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और थर्टी के बीच में आ जाएगा तो ये रहा आप मार्किंग कर देना जैसे ट्वेंटी और हंड्रेड तो ट्वेंटी कोमा हंड्रेड ये ट्वेंटी कोमा हंड्रेड का ग्राफ है पॉइंट है ये तो इसको पहले मैं ज्वाइन करवा देती हूँ आपसे सो दिस इज़ ग्राफ ये किसका ग्राफ हो गया बच्चा मोर देन ओ का ग्राफ हो गया किसका ग्राफ हो गया ये मोर देन ओ का ठीक है ना अभी तक तो ये मोर देन ओ का ग्राफ हो गया ठीक है ना अब इसमें क्या है कि मार्किंग कर देते तो थर्टी और नाइन्टी टू तो ये थर्टी कोमा नाइन्टी टू ठीक है ये कौन सा हो जाएगा फोर्टी कोमा एट्टी तो फोर्टी कोमा एट्टी ये कौन सा हो जाएगा फिफ्टी फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी फिफ्टी सिक्स ये कौन सा हो जाएगा सिक्सटी फिफ्टी तो सिक्सटी फिफ्टी ये कौन सा हो जाएगा सेवेंटी फ़ोर्टी तो सेवेंटी फ़ोर्टी और यहाँ पे एट्टी ट्वेंटी फाइव तो एट्टी ट्वेंटी फाइव सही ठीक है अब इसका मीडियन निकालना है तो कुछ नहीं करना वही कि मीडियन निकालने के लिए पहले एन बाई टू निकाल लो एन बाई टू मतलब टोटल फ्रीकेंसी अपॉन टू तो हंड्रेड बाई टू कितना हो जाएगा फिफ्टी अब फिफ्टी को आप क्या करो यहाँ पे देखो ये रहा फिफ्टी ठीक है दिस इज़ फिफ्टी एग्जैक्टली नहीं आ रहा ये तो ये फिफ्टी का ग्राफ ये रहा ठीक है ना तो फिफ्टी यहाँ रहेगा ठीक है और फिफ्टी से आप नीचे डाल दो तो वो तो दिख ही रहा है कि फिफ्टी से कहाँ जा रहा है ये फिफ्टी से ये जा रहा है ऑलमोस्ट ये फिफ्टी सिक्स है 56 ऊपर रहेगा थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं नीत यहाँ पर क्या कर रही हूँ ग्राफ के थ्रू प्लॉट नहीं कर रही हूँ ठीक है ना तो ये कुछ ऐसा आएगा ठीक है फिफ्टी कामा ये रहा फिफ्टी कामा सिक्सटी तो को तो वैसे ही मीडियन मिल रहा है ये टोटल ही मिल रहा है फिफ्टी कॉमा सिक्सटी ठीक है ये रहा पॉइंट फिफ्टी का और ये पॉइंट सिक्सटी तो फिफ्टी कामा सिक्सटी तो यहाँ पे क्या आ गया मीडियन हमारा कितना आ गया सिक्सटी आ गया और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है ना एक्यूरेटली पता लग रहा है कि सिक्सटी मीडियन है ठीक है तो यहाँ पे आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी ठीक है तो अगर मोर देन ओजी का ग्राफ है और मीडियन निकालना है तो मीडियन कितना आ गया हमारा ये वाला ठीक है ना वाई एक्सिस से ढूंढो और फिर एक्स पे परपर्टिकुलर डाल दो तो अभी मीडियन कितना आ गया ऑलमोस्ट सिक्सटी आ गया ये वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको फिलहाल क्योंकि पैसे <coughs> तो फिफ्टी को सिक्सटी ही है दिख भी रहा है बट क्राफ्ट से आप करेंगे तो आपको एक्यूरेटली पता लगेगा ठीक है ना तो ये मोर देन वो जीफा ग्राफ था तो अगर मोर देन वोजीफा ग्राफ बनाना होगा और मीडियन निकालना तो होगा तो आई होप आप निकाल देंगे सही अब देखो अब बात करते हैं लेस देन ओजीफी ग्राफ की अब वो बोल रहा है कि लेस देन वो का भी ग्राफ प्लॉट करो और उसके बाद में आप मीडियन निकालो ठीक है ना तो मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ क्लासेस की जगह मैं यहाँ पर लेस देन लिख देती हूँ ठीक है ना ट्वेंटी टू थर्टी अगर ट्वेंटी टू थर्टी की बात करूँ तो लेस देन किसका होगा थर्टी के तो लेस देन थर्टी इसको मैं लेस देन थर्टी लिख सकती हूँ इसको मैं लेस देन फोटी लिख सकती हूँ ठीक है क्योंकि अब उसका काम है ही नहीं ये लेस देन फिफ्टी लेस देन सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी ठीक है ना मैं पूरा लिख रही हूँ यहाँ पे लेस देन फिफ्टी लेस देन सिक्सटी लेस देन सेवेंटी और लेस देन एट्टी एंड लेस देन नाइन्टी सही अब फ्रीक्वेंसी का भी ऑलमोस्ट काम नहीं है तो बेसिकली मैं यहाँ पे कम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी लगा देती हूँ कौन सी वाली प्लस वाली एडिशन वाली ठीक है ना एडिशन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं, तो एट का एट ही रहेगा एट प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा फोर्टी फोर करते हुए जाना है फोर्टी फोर में सिक्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी फिफ्टी में टेन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटी सिक्सटी में फिफ्टीन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव ऐड करेंगे तो हंड्रेड देखो टोटल फ्रीक्वेंसी और ये सेम आ रहा है ना हंड्रेड हंड्रेड लास्ट वाले टाइम तो बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी अपन ने बिल्कुल सही निकाली सही ठीक है यहाँ पर मेरे पास में जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये रब ये वाला पार्ट रब करके यहाँ पर लेस देन का यहाँ पर कॉलम बना दिया ठीक है ना अब लेस देन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो थर्टी से एट यहाँ पर सब क्या है थर्टी टू एट तो ये थर्टी और ये कितना हो गया एट तो एट कम से कम यहाँ का ही आएगा थर्टी और एट ठीक है और फिर फोर्टी और ट्वेंटी तो फोर्टी और ट्वेंटी ये रहा ठीक है देन फिफ 50 एंड 44, 50 and एंड will be विल बी the डाउन द लाइन ओवर हीयर ठीक है ना uh, 60 to 50 तो 60 to 50 तो यही पॉइंट है ठीक है देन 70 और 60 तो 70 और 60 तो 60 और 70 करीबन यही कहीं आएगा यहाँ कहीं ठीक है दिस इज़ द पॉइंट 70 और 60 का और नेक्स्ट uh, है 80 और 75 तो 80 और 75. एट्टी एंड सेवेंटी फ़ाइव समवेव डाउन द लाइन यहाँ कहीं आएगा और यहाँ पे नाइन्टी भी चाहिए तो मैं ये एक्सटेंड कर देती हूँ दिस विल बी नाइन्टी यहाँ पे नाइन्टी ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से नाइन्टी से ये हो गया हंड्रेड तो नाइन्टी से ये हो गया हंड्रेड हमारा पूरा क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से ये क्या हो गया नाइन्टी कोमा हंड्रेड अब इसको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो ये बन गया हमारा लेस देन वजीफ का ग्राफ ये लेस देन का बन गया और ये वाला जो लाइन है दिस इज़ मोर देन दिस इज़ मोर देन वो जीव ये मोर देन का बन गया ठीक है ना ये मोर देन वो जीव का है ये लेस देन वजीव का है सही यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा अब देखो मार्किंग कर दो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है थर्टी कोमा एट तो थर्टी कोमा एट ठीक है ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है दैट इज़ फोर्टी कोमा ट्वेंटी तो फोर्टी कोमा ट्वेंटी नेक्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहा है फिफ्टी कोमा फोर्टी फोर तो फिफ्टी कोमा फोर्टी फोर ठीक है ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है सिक्सटी कोमा फिफ्टी सिक्सटी कोमा फिफ्टी मार्ग डे सेवेंटी कोमा सिक्सटी तो ये सेवेंटी कोमा सिक्सटी हो गया ठीक है दिस इज वॉट एट्टी कोमा सेवेंटी फाइव तो एट्टी कोमा सेवेंटी फाइव हो गया ये वाला एंड लास्ट इज नाइन्टी कोमा हंड्रेड तो नाइनटी कोमा हंड्रेड हो गया ठीक है ऐसे मार्क कर लेना अब मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए देखो कोई भी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो दिख रहा है सिक्सटी पे ही आ रहा है जो अगर दोनों लेस देन हो जाए वो मोर देन हो जाए पता है कि अपन लेस देन ओजीव और मोर देन वोजीफ का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो फिर मीडिया निकालना है बेटा तो अपन क्या करेंगे इसमें एन बाई न्यू टू निकालने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है तो लेस देन और मोर देन वोजीफ कहाँ अपन को इंटरसेक्ट करते हुए मिल रहे हैं इस पॉइंट पर ठीक है सिक्सटी कोमा फिफ्टी तो अपन क्या करेंगे इसका क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो पर्पेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो मीडियन कितना आ गया सिक्सटी आ गया दिख रहा है आप लेस देन ओजीव का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे या मोर देन ओजीव का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तब भी अपन मीडियन निकाल पा रहे थे और अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी हम मीडियन क्या करेंगे इंटरसेशन से निकाल लेंगे लेस देन ओजिव है मोर देन ओजिब है तो एन बाई टू करके अपन क्या करेंगे मीडियन फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे ठीक है और फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा के अपन पर्पेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल देंगे ठीक है बट अगर लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव दोनों के आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को पर्पेंडिकुलरली एक्सिस पर डाल दे तो आपका मीडियन आ जाएगा ठीक है मोर देन ओजीफ में से मीडियन निकाला था तब भी सिक्सटी आया था और ऐसे निकाला था तब भी सिक्सटी ही आया था सो आई होप ये जो मोर देन ओजीव है लेस देन अजीव है ये आपको क्लियर हुआ होगा और इससे मीडियन कैसे निकालना है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा राइट बस आपको टेक्निकलिटी ये याद रखनी है कि लेस देन में सी एफ कैसा होगा मोर देन में सी एफ कैसा होगा ठीक है आपको अगर ये टेबल बनानी आ गई तो ग्राफ बनाना इज़ वेरी ईजी ठीक है तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करें विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच